पॉल्यूशन और पॉपुलेशन का वो एक तो वो भी है कि शायद 5G टेस्टिंग से लोग बताते हैं कि नहीं नहीं वो फेक न्यूज़ है, तो फेक है वो तो। हम लोगों ने ललन टॉप शो किया था इस पर, मैंने ही लिखा था वो, तो हम लोगों ने शो किया था ललन टॉप शो जिसमें कि क्या 5G टेस्टिंग से पक्षियों की मौत हो रही है। नहीं लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। क्या रोल कर रहे हो? क्या रोल हो गया? अरे बता दिया करो यार, पेड़ पे चढ़ो। रोल हो गया? पेड़ चढ़ोगे? पेड़ पे हम चढ़ते थे बचपन में। अभी इस पर चढ़ सकते हो? ये तो आसानी से तुम बता रहे थे इस पर चढ़ जाएंगे सर। ब्लॉक हाँ, जो थोड़ा सा स्लांटेड रहता है और ब्रांच रहता है। स्लांटेड? स्लांटेड मतलब ऐसा तिरछा, सीधा जाने की वजह से तिरछा। तो चलो हम पकड़े जाओ। नहीं जाओ ना। नहीं जेरी तुम तो जेरी तो सरकारी स्कूल में पढ़ा है और बहुत ये सब बताता रहता है। सरकारी में पढ़ा है तो मतलब कुछ भी कर लेंगे। एडवेंचर सब सरकारी स्कूल, तुम बताते हो ना सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं रॉ होते हैं। क्या होते हैं बे? रॉ होते हैं। रॉ मतलब? रॉ मतलब कच्चे ठस। अनुवाद थोड़े पूछे हैं तुमसे कि रॉ का अनुवाद बताओ। रॉ होते होते मतलब क्या होता है? क्या होता है रॉ? नहीं ये बहुत वो मतलब वैसे बताता है कि हम लोग ये करते थे वो करते थे। तो ये भी होगा ही तुम्हारे एडवेंचर। तुम नहीं करते थे का? हम भी करते थे, हम गांव में रहते थे। हम गांव की ठस बताते हैं। चढ़ जाओ। चढ़ जाएंगे? चढ़ो। अब अभी चढ़ जाएं क्या? हाँ, और नहीं नहीं वहाँ आदमी वहीं से वहीं से व्लॉग में बात करना, वहीं से बात करो तुम। टार्जन बाद में शूट कर लेंगे, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। क्या बात करोगे? कहाँ आए हो बताओ? आए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ये जंगल टाइप का है, आर्टिफिशियल बनाया गया है, पेड़ है सीधी रेखा में, और ये जेतवन का इलाका है। जेतवन आप बता रहे? जेतवन क्या होता है? जेतवन ये दरअसल देखो ये सहेट है, यहाँ पे एक स्तूपा है जो यहाँ से दिख नहीं रहेगा। इसको अंग्रेजी में स्तूपा कहेंगे, हिंदी में स्तूप कहेंगे। श्रावस्ती में दो स्तूप फेमस है, सहेट महेट, और उधर अंगुलीमाल की गुफा जो है उसको अंगुलीमाल का स्तूप भी कहते हैं। और ये है जेतवन का इलाका, और सामने है थाई टेम्पल, तो मतलब वो काफी सुंदर टेम्पल है। अगर विजुअल पैच कर पाओ तो कर देना, वरना फोटो दिखा देना। एक होता है ना किसी ब्लॉग में फोटो फ्लैश करती है फिर बंद हो जाता है, तो ऐसे दिखा देना कि कैसा दिखता है थाई टेम्पल। नहीं कर पाओगे? अरे ये जाने मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाते हो? अभी थोड़ा कट लगाना सीखा है, छोटी मोटी चीज। नया वाला है अभी? नया वाला अभी, नया नया अभी सब होता है ना सर। तो श्रावस्ती में है हम लोग, ये व्लॉग हम लोग दोबारा शूट कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे इंटरप्शंस थे। और मतलब ये बात हम लोग कई कई बार, सौरभ जब थे फील्ड पे, सौरभ ने भी समझाया, सौरभ त्रिपाठी थे जब फील्ड पे उसने भी समझाया, मैंने भी कई कई बार आयुष को ये समझाया गया कि व्लॉग में इंटरप्शन नहीं आना चाहिए। इस तरह के काम, इस तरह की बातों को, इंटरनल जोक्स को, और मतलब नहीं, असंसदीय नहीं होना चाहिए हमारी भाषा को, अशोभनीय नहीं होना चाहिए हमारी भाषा को। इस बात को आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी चाहिए। नहीं, अब सारे वरिष्ठ मिलके ये बताना चाहते हैं कि आयुष असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है। ये खेल हो रहा है कि ब्लॉग किसी और कारण बंद होता है और कारण बता दिया जाता है कि आयुष ने। नहीं नहीं नहीं, ये भी बोला था ये। हाँ नहीं, ये सब वरिष्ठ मिलके बताना चाहते हैं। हम लोग युवा हैं सारे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, दरअसल बहुत सारे लोग आ गए थे तो उनके चेहरे थे, उनकी गाड़ियों के नंबर थे, ये सारी चीजें। ये तो बात मतलब है ही, आयुष अपने को बचाने के लिए बोलता ही है, तो ठीक है। तो बढ़िया धूप है, श्रावस्ती जिले में है। श्रावस्ती की कहानी हम लोग बता दें छोटी सी आपको कि श्रावस्ती क्यों फेमस है। कौशल देश जो था उसकी दूसरी राजधानी कहा जाता है। अब बताओ, एक बार तो सुन लिया ब्लॉग में पिछले वाली, बताओ। कौशल भगवान राम के दो लड़के थे, लव और कुश। कुश के राजा राम। हाँ राजा राम, ठीक है राजा राम, कुछ लोगों के भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लॉर्ड रामा, ठीक है जो भी आप कहना चाहें। भगवान राम, उनके दो बेटे थे लव और कुश, जिनने वो गाना गाया था हम कथा सुनाते। हम कथा सुनाते कौन सा? वो एक गाना है ना यार, हम कथा सुनाते, वो अच्छा गाना गाया था। अच्छा रामायण में, उत्तरकांड में। अच्छा रामायण में आता है वो प्रसंग। तो कहा जाता है ये कि मदंतियां हैं, कथाएं हैं कि भगवान राम के दो बेटे लव और कुश, लव के लिए भगवान राम ने ये नगर श्रावस्ती नगर बसाया था, और कुश के लिए एक अलग नगर बसाया गया था जिसका नाम कौशल करके कुछ नाम था, अलग से नाम था उसका, मुझे शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। कहानी ये भी है, महाभारत में भी श्रावस्ती का जिक्र मिलता है, बौद्धों के यहाँ भी जिक्र मिलता है, और बौद्धों का बहुत ज्यादा इसके बौद्धों का जुड़ाव इस जमीन से ज्यादा है। भगवान बुद्ध जब अपने प्रवास पे निकलते थे तो
अपने जो कई सारे वसंत थे उन्होंने 19 या 22 वसंत उन्होंने श्रावस्ती की जमीन पर काटे। वसंत मतलब साल, वसंत मतलब एक एक पखवाड़ा, एक पूरा दो चार महीनों का समय। अच्छा, वो प्रवास पे विहार पे निकलते थे ना, वसंत ऋतु। हाँ हाँ, पखवाड़ा। तो वो उन्होंने यहाँ काटे थे, ये भी कहा मिलता है। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर वो भी यहाँ पे आए थे, तो वो लोग भी यहाँ पे आए थे। और श्रावस्ती से मतलब अगर आप एक बेल्ट ड्रॉ करें, श्रावस्ती हो गया यूपी में, फिर ऊपर बढ़िए कुशीनगर की तरफ, तराई में ही चलते जाइए, कुशीनगर की तरफ चले जाइए, फिर करते करते बिहार में आइए, नालंदा आइए, राजगीर आइए, तो ये एक सर्किट जैसा बन जाएगा। तो हमको याद है, हम बनारस में थे, हम लोग की टीम गई थी एक शूट पे, तो उस शूट पे हम लोग बनारस में थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ के अवशेष मिले हैं और सर्किट कैसे बनता है। फिर हम लोग राजगीर गए थे घूमने, कुछ गुफाएं घूमने गए थे, तो औरंगाबाद गए थे, औरंगाबाद से हम लोग घूमते घूमते राजगीर चले गए थे, तो वहां से हम लोग को बताया एक व्यक्ति ने कि यहाँ पर ये ऐसे अवशेष मिलते हैं बिहार में इन जगहों पे, और फिर यूपी में मिलते हैं, तो इस तरह से एक सर्किट जैसा बन जाता है। सर्किट मतलब उसके भीतर जो है, हाँ मतलब एक हाँ एक पूरा एक पाथवे है जहाँ से जहाँ जहाँ बुद्ध गए, जहाँ वहाँ वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुए, कई जगहों राजाओं ने भगवान बुद्ध को कई जमीनें दी विहार करने के लिए, वहाँ पे भिक्षु आए, बौद्ध भिक्षु आए, वहाँ पे प्रवास किया उन्होंने। बनारस चले जाइए, सारनाथ भी पड़ता है, बनारस चले जाइए, वहाँ पर बुद्ध के भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। तो इस तरह के मिला जुला के काफी सारा मतलब मिला जुला के एक पूरा सर्किट टाइप का बन जा रहा है। तो ये हम लोग को पता चला, यहाँ पर भी हुआ है इस तरह से, अंगुलीमाल डाकू वाला प्रसंग है ही है। यहाँ पर एक सामने स्तूप है जिसको कहा जाता है गुफा है, कई लोग बोलते हैं अंगुलीमाल की गुफा नहीं है, वो स्तूप है। और अंगुलीमाल का एक किस्सा, सौरभ द्विवेदी जब आए थे यहाँ पे, सौरभ आए थे 17 में आए थे यार, 17 में सौरभ आए थे। कई वर्जन हैं उस कहानी, हाँ कई सारे वर्जन थे। कहा हम लोग को पढ़े थे यार, अंगुलीमाल डाकू था जिसका वध करता था, जिसको लूटपाट करता था, उंगली काट के उसका गले में टांग लेता था। फिर हम लोग सुनाई दिया कि नहीं, अंगुलीमाल डाकू नहीं था, अंगुलीमाल अच्छा शिष्य था अपने गुरु का, और लड़ाई झगड़ा होता हो गया क्लास में, उसके आश्रम में क्लासरूम में लड़ाई बड़ाई हो गई, तो दूसरे लोगों ने चिट्टा उट्टा लगा दिया गुरुजी से, तो गुरुजी ने उसको श्राप दे दिया। फिर एक कहानी है कि अंगुलीमाल के जो गुरुजी की पत्नी थी, मतलब गुरु माँ जिसमें कहते हैं अगर नॉर्मल तरीके से कहें, तो गुरु माँ ने वो किया, गुरुजी आश्रम से बाहर गए, अंगुलीमाल वहाँ बैठे हुए थे, गुरु माँ ने बिना वस्त्रों के अंगुलीमाल के सामने पहुँच गई, तो अंगुलीमाल ने आग्रह किया कि माँ ऐसा आप मेरी माँ समान हैं, आप वस्त्र धारण कर लें। तो शायद उनको बुरा उरा लग गया या क्या हुआ कि उन्होंने अपने शरीर को चोट पहुंचाई, खुद को खरोच रोच लिया शायद नाखूनों से, और खुद को खंभे से बांध दिया, ये भी कहा जाता है। और फिर अंगुलीमाल के गुरु आते हैं तो बोलते हैं कि, बोलते बताती हैं कि नहीं नहीं ये हम ये इन अंगुलीमाल ने ऐसा किया है, मतलब उस समय अंगुलीमाल उनका नाम नहीं था, तो बचपन में ऐसा करते थे, खुद को काट लेते, तो बोले भैया ने काट दिया। किए तुम ऐसा? हाँ। अरे यार भैया मार खाया था डांट। अच्छा, फिर मुझे लगा एक ही बार किया ना इसलिए, तुमको लगा ज्यादा ये अन्याय है, ज्यादा पे करनी पड़ रही है, एक तो खुद को काटो भी और मार भी ना पड़े तो। अरे यार इसको बुरा नहीं लगा कि भैया डांट खा गया, ये बोल रहा है कि मार नहीं पड़ी इसलिए बुरा लग गया। तो फिर वही था कि अंगुलीमाल ने सजा दी कि 999,000 लोगों का वध कीजिए या 100 लोगों का वध कीजिए, 999 वगैरह को मार मार के अंगुलीमाल उंगली उंगली काट के गले में पहन लेता था। और उंगली पहनने की कहानी अलग है, कहा जाता है कि अंगुलीमाल जो उंगली की माला थी वो उनकी, वो बताते थे गुरुजी को काउंटर देना था, गुरुजी देखिए इतना इतना वध हो गया, उतने लोगों की माला पहन रहते थे, मतलब कि इतने लोग का हो गया गुरुजी काउंट कर सकें, वर्क रिपोर्ट हो गई। वर्क रिपोर्ट हो गई उनकी, वो तो उनकी वर्क रिपोर्ट हो जाती थी वो। तो फिर भगवान बुद्ध यहाँ पे आए हुए थे, तो लोगों ने आग्रह किया कि समझाइए बहुत आतंक है, भगवान बुद्ध मिले वन में, तो फिर उसके बाद जो हुआ सब जानते हैं। तो अंगुलीमाल ने वो स्तूप बनवाया बुद्ध की स्मृति में और वहीं रहने लगे, ऐसा कहा जाता है, मतलब कई सारी कहानियों में एक ये वर्णन भी है ही है। अच्छा, हाँ। तो अब बताइए, आप श्रावस्ती के बहुत मस्त गांव से होकर आए हैं, एक दो श्रावस्ती जिले में, बहराइच के एक बहुत सॉलिड स्कूल में आप होकर आए। श्रावस्ती में हम लोग रुके हैं, और श्रावस्ती से हम लोगों ने रुके रुके पहले श्रावस्ती कवर किया, फिर बहराइच कवर किया। तो सबसे पहले श्रावस्ती के एक गाँव गए थे जहाँ पे
थारू जनजाति के लोग रहते हैं, नेपाल बॉर्डर पे था वो गांव। हाँ, हाँ, हाँ। क्या नाम था, रुपियापुर, रनियारपुर, रनियारपुर, रनियारपुर में, मोतीपुर कलां, रनियारपुर या रनियापुर, रनियारपुर मोतीपुर कलां, दो नाम। हाँ, मतलब वहां पे 3-4 गांव आसपास एक साथ जुटे हुए थे। तो जेरी ने वहां के घर के बारे में, मतलब वहां जो घर बने थे एक खास तरह के, उनके बारे में कुछ एक खास चीज नोटिस करी है, बताइए जेरी। कौन सी? अरे जो घर के अच्छा वाले घर। हाँ, तो वो कुछ एक, मतलब उन्होंने ऐसे ही बना दिया है, उनको शायद इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो एक थोड़ी सी साइंस दिखाती है उस घर की, जो वो है ना फ्रेम जो उस घर का है या जो भी उस घर का बनाने का ढांचा है। तो उन्होंने ऐसे घर बनाया हुआ है जो हर टाइप होता है वैसा घर है, और ऊपर ना जगह छोड़ रखी है दोनों साइड, है ना। तो उसका ये है कि इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है। तो जब सुबह रोशनी चाहिए होती है तो वो इधर से सूरज निकलता है, क्योंकि तो सुबह रोशनी के लिए आपको पूरा वो आता है, और पश्चिम से जब ढलता है तो इधर से वो आती है रोशनी। तो उस घर में अगर आप घुसेंगे तो उसमें घर में एक भी बल्ब नहीं था, पूरे घर में एक भी बल्ब नहीं था, एक भी पंखा नहीं था, कुछ नहीं था। और ना उसमें गर्मी थी ना ठंडक थी, उसका टेम्परेचर बहुत मेंटेन था। वो एक इसलिए भी था क्योंकि मिट्टी की दीवारें थी और घास की, जो मिट्टी जो है वो ठंडा रखती है और घास जो है उसको गर्मी को पार नहीं होने देती है, तो जो अंदर का टेम्परेचर वो बना रहता है, जैसा मैंने डिस्कवरी पे देखा। हाँ, और गर्मी शायद उसमें होती होगी क्योंकि उन्होंने टीन की शर्ट डाल रखी थी ऊपर जो है, तो इस वजह से वहाँ पे गर्मी होती होगी, मतलब गर्मियों के टाइम पे अच्छी गर्मी हो लगती होगी उन्हें। हालांकि लेकिन वो मिट्टी का घर है तो उसमें इतनी गर्मी नहीं होती होगी। और वहाँ पे एक चीज़ और देखी, उन लोगों ने खूब बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, हाइट्स इससे भी ज़्यादा बड़े होंगे, वो बना रखे थे बर्तन मिट्टी के, टोटली मिट्टी के थे, मिट्टी और घास फूस जो होती है, जो सूखी वाली वो होती है, जो शायद भैंस वैंस को खिलाई जाती है फूस, उसके उन्होंने बर्तन बनाए हुए थे जिसमें वो अपना अनाज रखते थे। और वो क्या बढ़िया टेक्निक है अनाज रखने की, ऊपर से भी मिट्टी लगा के उन्होंने ढक दिया और नीचे भी जहाँ से निकालना है उसमें भी निकाला और कुछ लगाया और फिर उसको लेप कर दिया मिट्टी का। तो वो एक पूरा एक उनका मिट्टी से ही उनके घर में सब कुछ चल रहा था। और एक और चीज़ देखी वहाँ पे, घर के अंदर चूल्हा बना हुआ था और उसके जस्ट बगल में चूल्हा जल रहा था, जस्ट मतलब कि जैसे होता ना कि अभी आग जली और फिर वो ठंडी हो रही है धीरे धीरे, तो वो था समय, तो उससे पता चल रहा था गर्मी से कि अभी बुझाया गया इसको। और उसी के बगल में लाल कलर का एक सिलेंडर रखा था, अनयूज्ड, मतलब यूज था लेकिन अनफिल्ड। हाँ, नहीं उसमें थी गैस। हाँ, सिद्धांत जी इतनी दूर क्यों चले गए? वो पेड़ पे चढ़ने वाले हैं। अच्छा। अरे पेड़ पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, पेड़ को तुम्हारे चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा हम तो चढ़ नहीं रहे तो आप ही चढ़ जाएंगे अब। नहीं नहीं यार, धूप बहुत देर लग रही थी उधर यार, गनगना गया माथा एकदम उसमें। तो सिलेंडर उनके घर में सिलेंडर भी था, सिलेंडर था उनके घर में, शौचालय था लेकिन घर पक्के नहीं थे उनके। हाँ। तो वो वीडियो एक अलग है, वो मतलब वो जरूर देखना चाहिए आपको। और वो घर कितने नायाब तरीके से बनाया हुआ है, घर से अनाज कैसे निकलता है, अनाज निकालने के लिए तरीका क्या है, उनका जुगाड़ क्या है, वो सब बहुत एक सारगर्भित बातचीत में है। एक हम लोग स्कूल गए और वैसा स्कूल हर स्कूल को होना चाहिए। वहाँ स्कूल में पहले हम एक लड़के से मिले जो थारू जनजाति के ही उसी गांव में, उसी गांव का था। वो एक अलग वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे, अभी आता होगा आज या कल में आ जाएगा मेरे ख्याल से। इंटरनेट की दिक्कत से हम लोग बहुत जगह जूझ रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग एक बहराइच एक बहुत बहुत सुंदर से स्कूल में गए, और हर स्कूल को मेरे को लगता है इतना ही सुंदर होना चाहिए, इतना ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को पुश करने वाला, जो वहाँ पे बच्चे गाना गा रही हैं। वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम था जैनब नाम था, वो कितने उसने इतना भजन सुनाया। वहाँ पे बच्चा था सज्जाक ने इतने 19 का पहाड़ा सुनाया। हम तीनों लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, और ये लोग वो बच्चे को पहाड़ा ही नहीं, उसको हर संख्या का वर्ग, घन वर्ग यानी स्क्वायर और क्यूबिक स्क्वायर सब याद था उसको। और वो स्कूल में नेशनल प्लेयर्स हैं,
जो खेलने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ, जयपुर कोई जा रहा है, कोई गाजियाबाद जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है, बच्चे बच्चों ने सामने जो दिखाया, अपने हमारे सामने जो दिखाया, मतलब एक बच्ची ने बोला कि ये आसन बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाते हैं, हम बोले कौन सा, तो उसने करके दिखाया त्रिविक्रम आसन, त्रिविक्रम आसन ऐसा कुछ नाम था, और बहुत कठिन आसन, मतलब मुझे हर बार जब भी बच्चे कर रहे थे मुझे बार बार रोकना पड़ रहा था कि भाई मत करो चोट लग जाएगी, मुझे डर लग रहा था जेन्युइनली। अब तो ये लोग जो बच्चे जो जा रहे हैं वहाँ पे, एक होता है सीनियर नेशनल, एक होता है स्कूल नेशनल है ना, एक होता है यूनिवर्सिटी लेवल, और ये सब होता है कि उसमें सिलेक्टेड बच्चे होते हैं कि ग्रुप्स के हिसाब से होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स के हिसाब से होते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे ओपन से कर रहे थे, ओपन वहाँ पे कोई भी आके में कम्पीट कर रहे हैं, मतलब कोई भी क्लास का, कोई भी स्कूल का, कहीं का भी आके वो वहाँ पे कंपटीशन लड़ सकता है, बस खाली उसको एक एंट्री देनी होती है, टेस्ट देना होता है, और कोई भी, मतलब आप अगर आप 5 साल के हैं तो आपके सामने 25 साल या 15 साल का भी इंसान खड़ा हो सकता है, तो उसमें कोई एज का या क्लास का बाउंडेशन नहीं है, वो बच्चे ओपन में कम्पीट कर रहे हैं, कम्पीट मतलब सबसे ज्यादा कठिन होता है, प्राइज लेके आ रहे हैं, प्राइज लेकर आ रहे हैं, मेडल लेकर आ रहे हैं, वो लोग तो मजेदार है वो। उनका पहले ये होता था कि एक हमारी एक दीदी है, उन्होंने जो हमें वहाँ लेके गई थी, उन्होंने बताया कि पहले होता था जिसका खेल उसकी शील्ड, पहले ही होता था जिसका खेल नहीं जिसकी फील्ड उसकी शील्ड, जिसकी फील्ड उसकी शील्ड, देवी पाटन रीजन में उन्होंने जो हमको बताया गया, देवी पाटन रीजन में ये 3-4 जिले जो हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, इसमें होता क्या है कि पहले ये होता था कि आप जिसकी फील्ड उसकी शील्ड वाला मामला होता था, और अब होता है कि फील्ड किसी की हो, शील्ड बहराइच के स्कूल की है, तो किसी की भी फील्ड बहराइच की शील्ड, तो उन्होंने ये मतलब बताया कि ये स्कूल की वजह से बहराइच में बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब आपको स्कूल ख़राब कहीं भी मिल जाते हैं, बहरहाल स्कूल तमाम दिक्कतें मिल ही जाती हैं, लेकिन फिर कोई स्कूल ऐसा है जिसको इतनी लगन से और जतन से बनाया गया है कि वो लोहा लेगा, वो स्कूल ओपन कंपटीशन में बच्चे लोहा ले रहे हैं, तो वो वीडियो मतलब देख कर आपको सच में प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है सारे प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को, यूपी के ही नहीं, सब पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को, और सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, चाहे वित्त पोषित हों चाहे स्वमित्त पोषित हों, आपको देखना चाहिए, और आपको अपने स्कूल को और अपने पूरे कार्यक्रम को, पूरे करिकुलम को इस हिसाब से सेट करना चाहिए जैसे वो स्कूल सेट होता है। फिर हमने एक जगह खाई गजब की सरसों का साग और मक्के की रोटी और बैगन का भरता खाया वहीं से निकल के एक जगह पे, और मस्त उसके बाद मतलब आयुष जी तो उसके बाद मतलब फोटो वोटो खींच चुके थे खाने का, और इंस्टाग्राम पे शायद डाले नहीं, नहीं, नहीं उसकी एक कहानी है, वो क्या कहानी है, मेरी परसों मेरे दोस्त से बात हो रही थी, छोटू महाराज उनका नाम है, तो वो कह रहे थे बाबा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो बढ़िया चना की भाजी को सीजन आ गया है, और बिर्रा की रोटी सिकवा के नैनू लगा, नैनू मक्खन को कहते नैनू लगा के कहा है, अब तुम तो खाने पाओ, मुझे चढ़ाने के लिए कह रहे थे, अब तुम तो खाने पाओ, तो तुम जब आओ तो अपन खाएं मिलके, हमने कही हाँ यार सही कह रहे, और अगले ही दिन देखिए कोइंसिडेंस की बढ़िया मक्के की रोटी, सरसों का साग और बैगन का भरता वैसा ही हमारे यहाँ भी बनता है, तो हमने फोटो खींच ली कि हम उनको भेजेंगे, तो उनको तो इंस्टाग्रामीण नहीं है हम इंस्टाग्रामीण अच्छा शब्द था यार ये अच्छा शब्द था सच में इंस्टाग्रामीण। और एक और वो घाघरा नदी किनारे का क्या बढ़िया लगा वहाँ पे सनसेट, हालांकि उसकी एक दुखद कहानी भी है कि नदी के कटान से कैसे गांव के गांव गायब हो गए, लेकिन वहाँ पे बड़ा अच्छा एक सिनारियो बन रहा था कि छोटी सी स्ट्रीम है जो कट के आ रही है वहाँ पे, और फिर जो बच्चे थे वहाँ पे भैंस के ऊपर बैठ के वो छोटी सी स्ट्रीम को पार कर रहे थे, कोई गट्ठा लेके आ रहा था कोई कुछ, जब उनके हाथ पर देख रहे थे तो वो बड़ी दर्दनाक थी, लेकिन दूर से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था सनसेट और उस स्कूल में। मैंने एक चीज और देखी कि जो उस स्कूल के जो टीचर्स है ना उनके अंदर क्या ललक है, उन्होंने एक टीचर रखा हुआ है जो उनको सिखाता है बच्चों को, लेकिन वो सिर्फ उस टीचर के हाथ में, इतने सारे ट्रेनर के हाथ में। अरे पूरा वीडियो यही बता दोगे, वीडियो दिखने के लिए रखने दीजिए विजयी जी लेकिन खत्म कर लेते तब ट्रेनर के हाथ में कई सारे स्कूल है, तो उससे एक रिक्वेस्ट की गई कि हमारे स्कूल में एक दिन दे दो, और एक दिन के आधार पे वो कैसे ट्रेन कर रहे हैं वो असली खेल है, असली कहानी है। वो सिर्फ एक दिन आते हैं बच्चों को सिखाने, और वो एक दिन आके वो बच्चे इतना ट्रेन कर जाते हैं उन बच्चों को कि वो नेशनल मेडल नेशनल उस खेलने जा रहे हैं। और बाकी आप वीडियो देखिए।
चलिए तो वीडियो, ये सारा वीडियो अभी लल्लन टॉप पे आएगा। पेड़ से उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, मत चढ़ो, आ जाओ। तो आ गया, देखो वही पीछे ही तो पेड़ था। तो ये आप सब वीडियो लल्लन टॉप पे, लल्लन टॉप यूपी पे देखने देखिए, हम ज़रूर चाहते हैं आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन वाला आइकन दबाएंगे, क्योंकि हमको पहले लगता था कि लोग जैसे यूट्यूबर बोलते हैं कि सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन वाला लगता था, तो हमको लगता था कि यार होता होगा कुछ, क्या किया जाए। लेकिन फिर मुझे, मैंने कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन जब दबाया, तो मुझे लगा कि ये वीडियो पाने का सबसे तेज़ तरीका है। मतलब दो तरीके हमको लगता है सबसे तेज़ हैं, अगर आप कोई डेडिकेटेड ऐप है, हाँ जैसे कई कई YouTube चैनल्स का हो गया है अब ऐप, और जैसे कोई डेडिकेटेड ऐप है, लल्लन टॉप का भी ऐप है, अगर वो डाउनलोड कर लेते हैं तो उस पर भी नोटिफिकेशन आता है आपको, और अगर आप YouTube पे वो घंटी वाला अगर दबा देते हैं, बेल आइकन जो होता है ऐसा कुछ सब्सक्राइब के बगल में, तो उसको दबा देते हैं तो भी साहब बहुत तेजी से उसमें नोटिफिकेशन मतलब आपको तेज मिलता है। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों से फील्ड में कई लोग पूछते हैं कि भैया अपना नंबर दे दीजिए, वीडियो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, नंबर दीजिए, मतलब हम ये हम लोग के लिए कठिन हो जाता है कि कितनों को व्हाट्सएप पे भेजेंगे, कितनों लोगों को हम व्हाट्सएप पे ऐड करें, कितने लोगों को भेजें, कितने ग्रुप बनाए, वो बहुत कुछ हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, और व्लॉग मिलता रहेगा, शॉर्ट्स मिलता रहेगा। आयुष जी अभी पेड़ पे चढ़ेंगे, उसका भी शॉर्ट्स है, तो वो बोले हैं कि हम खिंचवाएंगे सर इंस्टाग्राम पे रील्स पे, गाना लगा लीजिएगा, तूने और रंगीले क्या जादू किया, वो पेड़ पे चढ़ेंगे उसी गाने पे। तो आप लर्न ऑफ यूपी देख रहे थे, व्लॉग देख रहे थे, शुक्रिया।